मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। भाजपा की जन विश्वास यात्रा आज सरधना पहुँच गयी। संगीत सोम के विधानसभा क्षेत्र में पहुँचने पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यहाँ भाजपा के उपाध्यक्ष व विधायक पंकज सिंह ने कहा कि सपा शासन में जो भी व्यक्ति उनके खिलाफ हिंदुत्व राष्ट्रवाद की बात करता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। उस वक्त न ही तो संजीव बालियान शांत बैठे और न ही संगीत सोम। अगर ऐसे ही हालात रहे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। देखिए, अध्यक्ष बहुत ही कर्मठ और यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री देवल शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्तागण, और मैं सामने देख रहा हूँ कि लगातार इतने घंटे से आप सब लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में मैं सिर झुकाकर मैं प्रणाम करता हूँ, आपका मैं चरणों पर नमन करता हूँ। और हमारे सभी नौजवान मित्रों भाई, और सच में सरधना में जब भी आने का मौका मिलता है तो यहाँ पर संगीत सोम जी को तो आप देखते ही हैं, वो आपका परचम लेकर चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो हमेशा आगे ऊपर खड़ा रखते ही हैं। लेकिन सरधना में जब मैं आता हूँ तो सच में ऐसा लगता है कि एकदम अपने परिवार के सदस्यों के बीच में ही आकर मैं खड़ा हो गया हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि उपस्थित सभी बड़ों के चरणों में मैं सिर झुकाकर मैं यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। और सच में अभी जब जिक्र कर रहे थे भाई संगीत सोम जी, तो 2013 का जब वो जिक्र कर रहे थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय संजीव बालियान जी ने भी उस समय का जिक्र किया कि जिस तरीके से विपक्ष की सरकार थी और जो भी उस समय उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता था, जो भी कभी अपने हिंदुत्व की आवाज उठाने की कोशिश करता था, जो राष्ट्रवाद उठाने की कोशिश करता था, तो उसकी आवाज को रोकने के लिए, बंद करने के लिए उस व्यक्ति को उठाकर या तो जेल की सलाखों के पीछे ये लोग पेचकोर से उठाए। और आज देखिए कि आज समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए आज वह मजबूर हो गई। तो मिला नहीं, टोपी मिली नहीं, तो सड़क पर निकल जाएंगे तो कैसे समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। और आज मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव भी चल रहा है, बाबा को भी अभी आपने कहा कि बूंदी वाले बाबा हमारे हैं, तो आज सच में। और अभी कुछ दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि इस उत्तर प्रदेश को न बहन ये चाहिए न बहुआ चाहिए, चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ बाबा चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश को, सिर्फ और सिर्फ बाबा हमारे उत्तर प्रदेश को चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोदी जी है तो मुमकिन है, और योगी जी है तो इस बात का यकीन है कि ऐसों की कमर तो जरूर फूटेगी। जो लोग कभी कागज दिखाने में भी हिचकते थे, जब सीए आ रहे थे तो क्या कहा लोगों ने, सीए का विरोध करेंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था, एक बार हाथ उठा के बोलिए तो हमको समझ में आया। कहा था लोगों ने, कोई विपक्षियों ने कहा था जिनको भारत माता की जय बोलने में सीने में दर्द होती है, ऐसे लोगों ने कहा था। लेकिन सच में जब से योगी जी की सरकार आ गई है, मैं आपको सच बताऊं, ये कागज तो छोड़िए, अपनी पूरी जनकुंडली लेके ऐसे माफिया बदमाश उसने घूमते हैं कि कब योगी जी का प्रशासन उनसे पूछ न ले और कहीं यहां से बाहर न करे। और अभी ज्यादा दिन की हालत नहीं, ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी इसी मेरठ में सोतीगंज का जिक्र तो आप सब लोगों ने सुना होगा। सोतीगंज का जिक्र सुना कि नहीं सुना? और मैं उसी दिन यहाँ पर अभी मैं निकल रहा था तो सोतीगंज में या आज अगर सपा की सरकार होती तो कैसी हालत होती, इसका अंदाजा आप सब लोग लगा सकते हैं। क्या वो चुपचाप रहते? आज वो अगर चुपचाप है, सिर्फ अपने बंद दुकानों के बाहर बैठकर वो अगर निहार रहे हैं तो इस कारण निहार रहे हैं क्योंकि आज राष्ट्रवादियों की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसलिए आज वह चुपचाप है। वरना आज वह क्या स्थिति होती है तो उसका अंदाजा। में दर्द होने लगता हो, चेहरे पे शिकन आ जाती हो, चेहरा मुरझाने लगता हो, और ऐसे लोग जो देश का राष्ट्रगान गाने में भी अपनी शर्मिंदगी महसूस करते हो, ऐसे में इन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है। अपने उन नौजवान मित्रों से मैंने कहा कि बिना भाजपा के झंडा बैनर के आप निकल जाओ सड़क पे सिर्फ भारत माता की जय बोलते हुए, ये ऐसे हालात ये सपा बसपा कांग्रेस ने बना दिए हैं।
और मित्रों इतना तो तय है, आप सब लोग एक स्वर में मुझे आप यह दिखा दीजिए, और मैं चाहता हूं कि सभी यह संदेश एक बार यहां सरधना से पूरे उत्तर प्रदेश में सपाई बसपाई कांग्रेसाई वालों को यह चला जाए कि इस बार आप सब लोग यह एक बार हाथ उठाकर कह दीजिए कि सब पूरा इस बार अगर उत्तर सरधना और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग अगर खड़े हैं तो वह राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं और आतंकवादियों का साथ देने वालों की कमर तोड़ने के लिए इस बार आप सब लोग तैयार हैं। इतना हाथ उठाकर एक बार यह संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार आप सब लोग दे दीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। और हाँ, कोरोना के नए वेरिएंट ने रफ्तार पकड़ ली है। यूपी समेत कई राज्यों ने एहतियातन नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। ऐसे में और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। भीड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें, मास्क का हमेशा इस्तेमाल करें। नमस्कार।